सत श्री अकाल एम एच वन न्यूज़ देख रहे सारे दर्शकों प्यार भरी सत श्री अकाल। मैं हाँ नवनीत सिंह वधवा लैके हाजिर हाँ तुहाडे लई अज दा पखदा मसला। तो अज दा जिहड़ा पखदा मसला वह सिद्धू सियासत ते सस्पेंस, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कई आगू पंजाब बीजेपी के जिहड़े ने कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नाल मुलाकात की। मुलाकात यही गल हुई कि जे सिद्धू बीजेपी छड़ के जाते ने तो पंजाब बीजेपी को काफ़ी नुकसान होएगा। तो इस गलबात तो बाद क्योंकि वो आगू यह कह रहे हैं कि पॉजिटिव रिस्पोंस उस गलबात का मिले हैगा, तो एक बार फिर तो यही गल सामने आ रही है कि सिद्धू ते जिहड़ी सियासत हो रही है कि अजे भी उहदे ते कोई सस्पेंस बरकरार है। जी हाँ, सिद्धू सियासत ते सस्पेंस। बीजेपी के आगू जगदीश सानी कहते हैं कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नाल मुलाकात की, जिहड़ी कि कुछ दिन पहले दिल्ली च हुई सी। उस मुलाकात दरमियान जदों पंजाब दे राजनीतिक हालातों बारे चर्चा की गई तो सिद्धू का जिक्र भी होया। तो उन्होंने पीएम नूं कहा कि सिद्धू जेकर बीजेपी छड़ के जाते हैं तो पंजाब बीजेपी का नुकसान होएगा, और वह भी कह रहे हैं कि पीएम ने जो गलबात उन्हां नाल होई है उहदे ते पॉजिटिव रिस्पोंस दिता है। रिपोर्ट वेखो तो की कुछ कह रहे हैं जगदीश सानी जी, वह भी सुनो। पंजाब की राजनीति विच कई चर्चावां चल रही ने। एक पासे बीजेपी पार्टी आप नवजोत सिंह सिद्धू नूं मनाउण नूं तैयार नहीं है अते अकाली दल दे आगू उन्हूं दल बदलू आगू कह रहे ने। ऐसे विचकार बीजेपी दे आगू अते साबका विधायक जगदीश राज सहनी नवजोत सिंह सिद्धू दे हक विच उतर आए ने। उन्हां देश दे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नाल मुलाकात करके पंजाब दे राजनीतिक हालातां दे बारे उन्हां नूं जानकारी दित्ती। प्रधानमंत्री ने इस इलेक्शन बारे पूरी स्थिति बयान कर दी, असं कोई छुपाया नहीं। तुहानू सारिआं नूं पता मेरी आदत है स्टेट फॉरवर्ड गल करनी, मैं जिस तरह तुहाडे नाल गल कर रहा मैं इसे स्टाइल किसी गलबात प्रधानमंत्री जी नाल भी गल की, जो उन्होंने स्थिति स्पष्ट कर दी। हुण उन्होंने पाले गेंद है, वह किस हिसाब से खेलते हैं, की करते हैं, पंजाब में की देंगे की करते। जगदीश सानी ने कहा कि वह प्रधानमंत्री के सवाल पूछण से दस के आए ने कि जेकर भाजपा आगू नवजोत सिंह सिद्धू आम आदमी पार्टी में जाते हैं तो पंजाब बीजेपी नूं आने वाली चोणां सब तो ज्यादा नुकसान होगा। सिद्धू के जान नाल सानूं कितना फर्क पिया, मेरा सवाल नहीं सी उन्हां दा सवाल सी, मैं उन्हें जवाब दिया सिद्धू के जान नाल सानूं फर्क पिया, फर्क होर पै जाना जे सिद्धू किसी होर स्टेज पर चढ़ गया, कांग्रेस की स्टेज पर चढ़ जाए, आपकी स्टेज पर चढ़ जाए, और मर्जी असं नहीं कह सकते, मगर जे किसी स्टेज पर चढ़िया नुकसान बीजेपी डायरैक्ट और अच्छा नुकसान हो। सिद्धू नूं लैके सियासी हलकियां दे विच कई चर्चावां ने, पर अजिहे विच पंजाब बीजेपी के आगुआं का सिद्धू के हक विच आना अते पीएम मोदी नाल मुलाकात च सिद्धू के मसले नूं चकना यह दसदा है कि सिद्धू नूं लैके आने वाले दिनों च होर सियासत होगी। गुरदासपुर तो नितिन लूथरा की रिपोर्ट एम एच वन न्यूज। वड्डा सवाल यही कि जेके नवजोत सिंह सिद्धू नूं लैके पंजाब बीजेपी के आगू जिहड़े ने आप कह रहे हैं कि नुकसान होएगा भारतीय जनता पार्टी का। सानी वर्गे जिहड़े वड्डे आगू ने, जिहड़े उग्गे आगू ने भारतीय जनता पार्टी पंजाब दे, जे ओह इह गल कह रहे हैं तो कि वाकई इस गल नूं सीरीअसली लैण दी लोड़ है। तो सिद्धू ते जिहड़ी सियासत हो रही उहदे सस्पेंस की कुछ होर हैगा, इसे ते असीं चर्चा करांगे। इस वेले साडे नाल इक खास मेहमान जुड़े हुए हैं, मनजीत सिंह राय जी भारतीय जनता पार्टी वालों चंडीगढ़ तो साडे नाल ने। इस तों अलावा कुलमोहन सिंह जी भी साडे नाल जुड़नगे थोड़ी देर तक श्रोमणी अकाली दल तो। मैं कोशिश कर रहा कि सानी साहब आप साडे नाल फोनलाइन पर जुड़न तो की कुछ गलबात उन्हां दी प्रधानमंत्री मोदी नाल हुई है वो आप वेरवा देण। लेकिन सब तो पहला मनजीत सिंह राय जी, पंजाब बीजेपी के आगू आप कह रहे हैं कि नुकसान होएगा भारतीय जनता पार्टी का जे सिद्धू छड़ के जाते हैं, वह कह ही नहीं रहे। उन्होंने जो प्रधानमंत्री नाल मुलाकात हुई उस मुलाकात विच भी इस गल का जिक्र किया है। जो भी बेहतर अपने जोड़े है साथी गए रहे जगदीश सानी जी उ दस सकते हैं, सानू तो पता नहीं और ना ही पार्टी नू कोई उन्होंने जानकारी दी कि मैं जा रहा और प्राइम मिनिस्टर नू मिलने जा रहा और किस इशू ते गल की है, अपनी इंडस्ट्री के उपर गल की है या किसी यहोजे मामले ते गल की है।
पार्टी नूं इस दे बारे कोई जानकारी नहीं है। और जिथों तक तुसीं कह रहे हो नुकसान दा, और जद किसी का जाना तुहानूं पता ही है कि ना चलो उन्हां पार्टी दे विच लाया है और कुछ ना कुछ उसका हो सकता है, ये सुभाविक ही है, सुभाविक है। लेकिन एक व्यक्ति दे नाल पार्टी नहीं चलती होंगी, पार्टियां समूहिक तौर पर चलदियां ने और सारयां दे सहयोग नाल चलदियां ने। और तुहानूं पता होगा कुछ चिर पहला ये भी जिहड़े साथी साढ़े गल कर रहे हैं इन्हें ये भी गए सीगे, लेकिन हुण साढ़े पार्टी का एक हिस्सा ने वापस आए सी और ये हुण बड़ी मजबूती नाल पार्टी का काम कर रहे हैं। मैं समझता हाँ कि पार्टी केवल एक व्यक्ति नाल नहीं सबदी समूहिकता दे नाल चलदी है। साहब ये भी कह रहे ने चूंकि माझे ते दुआबे बैल्ट च चंगा असर हैगा नवजोत सिंह सिद्धू दा, जो छड़ के जाणगे ते नुकसान होएगा, और खास करो अपने इलाके दा भी जिक्र कर रहे ने, गुरदासपुर बटाले विच जे नवजोत सिंह सिद्धू प्रचार करन आणगे ते सब तो ज्यादा फायदा बीजेपी दा होएगा। देखो व्यक्ति दा देखो इलेक्शन च तां एक एक व्यक्ति दी लोड़ होंदी है, और उस वेले आपां कहने कोई ना जिहड़ा भी व्यक्ति आवे और पार्टी दे हित की गल करे, आपां एक एक व्यक्ति दे बारे जाने आ उहदे पिछे उहदे नाल गल करदे आ, और फिर तां उह एक सैलीब्रिटी रहे ने और पार्टी दे विच बड़ा लंबा समां कई वारी मैंबर पार्लीमेंट बने ने और कई वारी पार्टी दे विच उहनां दे जिहड़ी धर्मपत्नी है नवजोत कौर सिद्धू उह भी सीपीएस रहे ने, विधायक बने ने, तो मैं समझदा कि उन्हां दा पार्टी दे विच रहना ठीक है। मनजीत सिंह राय जी, मनजीत सिंह राय जी चूंकि कुलवंत सिंह जी भी साढ़े नाल जुड़े हुए ने और इस वेले फोन लाइन ते साढ़े नाल आप जगदीश सानी जी भी फोन लाइन ते जुड़े हुए ने। सानी साहब बहुत बहुत जी आए, तुहाडा भी इस चर्चा दे विच मैं जानना चाह रहा पीएम साहब नाल तुहाडी मुलाकात हुई की, कुछ गलबात हुई पार्टी नूं लेके ते की कुछ गलबात हुई सिद्धू साहब नूं लैके? देखो पीएम साहब ने पुछिया सी बई सिद्धू बारे अपने की विचार ने, तुहाडे पर्सनल विचार की है और बिल्कुल क्लीयर कट मैनूं दसो। तो मैं बेनती उन्होंने कर दी, मैं जो देखो सिद्धू का जाना साडे लई नुकसानदेह, सिद्धू आम वर्कर नहीं हैगा, सिद्धू एक बुलारा है, एक कलाकार है। लेकिन सानी साहब मैं यही गल थोड़े तो पूछनी चाह रहा, थोड़ी पार्टी के होर आगू लगातार है कहते आ रहे हैं कि एक बंदे दे जान नाल पार्टी खत्म नहीं हो जाती, और तुसी जदों तुसी कह रहे हो कि मेरे नाल गलबात हुई उन्होंने जनरल राय मेरी जानी तो मैं उन्होंने कहता कि नुकसान होएगा। जिहड़े मेरे दूजे सीनियर लीडर भी कह रहे हैं वह भी ठीक ने अपनी थां, किसी पार्टी के जान नाल पार्टियां कभी मरिया नहीं, बंदे मरते ने, ये कोई शक नहीं, दो राय नहीं, मगर मैं समझा पार्टी लई एक अहम चीज है जिहड़ी वह असी दीदा दृष्टा नूं खराब ना कर पाईए। अच्छा, रिस्पोंस की सीगा पीएम साहब का जदों उन्होंने थोड़े तो पूछा तुसीं कहा कि नुकसान होएगा, तो उन्होंने रिस्पोंस की सी कि मनाने की कोशिश की जाएगी? देखो गल है भाई मैं हूं पीएम साहब नूं तो पूछ नहीं सकता, जे उन्होंने गल छेड़ी सी उन्होंने मैं पूछा सी दा मतलब उन्होंने इंट्रस्ट हैगा सिद्धू मसले च। ठीक है, तुसी रहो साढ़े नाल कुलवंत सिंह जी। भाईवाल पार्टी थोड़ी उहदा एक वड्डा आगू जिहड़ा कि राज्यसभा मैंबरशिप तो अस्तीफा दे चुका है, हुण पीएम साहब भी इंट्रस्ट दिखा रहे ने, वो पूछ रहे ने लीडरशिप तो जिहड़ी पंजाब दी लीडरशिप हैगी और खासकर जिहड़े सीनियर आगू जिवें जगदीश सानी जी ने मुलाकात उन्हां नाल कीती सी तां उन्हां ने जिक्र कीता तां उन्हां ने दस भी दिता कि नुकसान होएगा, तुहानूं भी लग रहा है कि वाकई नुकसान होएगा? देखो जितों तक तो भारतीय जनता पार्टी तो श्रोमणी अकाली दल की सांझ की गल है, ये कोई दो रावां नहीं, ये पंजाब की राजनीति विचकार सब तो कि भारत की राजनीति विचकार सब तो गूढ़ी सांझ है, जिन्हों असी कह सकते नौ मास का रिश्ता है साडा, ये कभी टुट नहीं सकता और ना ही जदों तक ये दोनों ताकत कट्ठिया पंजाब की शक्ति दे विच राजनीतिक तौर पर विचरदियां रहणगियां। और मैं सच जानते हो कि बदलाव राजनीतिक होना अलग चीज़ हैगी है, लेकिन राजनीतिक तौर पर कोई सांझ बनाई होनी, क्योंकि साड़ी कोई सांझ भारतीय जनता पार्टी के नाल कभी भी इलेक्शनां तो बाद दी सांझ नहीं है, साड़ी इलेक्शनां तो पहलां दी सांझ है कि साड़ी भाईचारक सांझ है, सांस्कृतिक सांझ है, जिदे करके असी इकट्ठे होकर तुरदे हां नंबर एक। और उहदे विचकार राजनीतिक तौर पर अज तो कुछ समा पहला गल कही गई सी कि 2012 विचकार कि मनप्रीत सिंह बादल जो निकल गए ने पार्टी के विचों अकाली दल का भोग पै जाएगा, बादल वर्सिज बादल हो जाएगी, घर का बंदा घर नूं खा जाएगा, ये हो जाएगा, लेकिन तुहाडे सामने सारा कोई नतीजे ने। मैं किसी गल व्यक्ति नूं खास इंपोर्टेंस नहीं इस गल ते देना चाहता, लेकिन यह गल जरूर मैं करना चाहना कि राजनीतिक तौर पर विचारधारा खलोंदी है पार्टियां च, व्यक्ति नहीं, व्यक्ति केवल व्यक्तिगत फॉर्मुलेट करन दा एक बड़ा वड्डा साधन हुंदा। लेकिन जिथों तक सवाल
सरदार नवजोत सिंह सिद्धू का है। सरदार नवजोत सिंह सिद्धू जी जेडे के ये इल्ज़ाम चार दिन पहला लगाते ने कि पार्टी ने मैं पंजाब दे विच जाण तो रोकिया, मैं अगर सिद्धू साहब कितने अज टैलीफोन के उत्ते सीधी गलबात करते होंगे तो मैं ज़्यादा अच्छा लगता, क्योंकि मैं उन्होंने को सवाल पूछ सकता कि 15 साल तुसी उतों के एम पी रहे, क्या तुहानू पंजाब चो जाण नू किसी ने रोकिया? तुहाडी सत्कारयोग धर्मपत्नी पंजाब के अंदर एक मंत्री का अहुदा रखती है, क्या कभी किसी ने रोकिया? अगर तुसी ये गल है तो जो सांपला जी प्रधान बनाया गया कोर कमेटी के अंदर भारतीय जनता पार्टी, हालांकि पार्टी का अंदर का मामला है, मैनू भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी पार्टी के मामले बोलन की लोड़ नहीं, लेकिन मैं एक गल जरूर दसना चाहना सिद्धांतक तौर के उत्ते कि श्रोमणी अकाली दल भारतीय जनता पार्टी की सांझ है। सरदार नवजोत सिंह सिद्धू कित्थे जांदे ने, कित्थे रहिंदे ने, उहदा फायदा उन्हां नूं की होएगा या व्यक्तिगत रूप में की होएगा इहदे बारे कुछ नहीं, लेकिन जिथों तक सिद्धांतक सांझ की गल है पंजाब की राजनीति में सरदार प्रकाश सिंह बादल की अगवाई दे विचकार तीसरी अगली बारी हुण अगली बारी तीसरी जिहड़ी जित है वह भारतीय जनता पार्टी और श्रोमणी अकाली दल की जित होएगी और सरदार प्रकाश सिंह बादल ठीक है दावा लगातार किया भी जा रहा है। ठीक है मैं एक ब्रेक ले इतने रुकांगा। कुलमोहन सिंह जी, जगदीश सानी जी, मनजीत राय जी, तुसी रहो साडे नाल, चूंकि चर्चा इस जिहड़ा इसका पक्ष का मसला है कि आखिरकार सिद्धू ते जिहड़ी सियासत ते उन्हां वल्लों जिहड़ा सस्पेंस अजे भी उस सियासत ते हैगा वह अगे जाके कि कुछ रुख अख्तियार करेगा। एक ब्रेक, ब्रेक तो बाद छेती हाजिर होने हैं।